चेन्नई और गुजरात के बीच होगा आईपीएल का पहला मैच। 31 तारीख को गुजरात टाइटंस के होम ग्राउंड अहमदाबाद में सीएसके चुनौती देने आएगी। और आज इस वीडियो में देख लेते हैं दोनों ही टीमों की फाइनल प्लेइंग 11, करते हैं प्रिडिक्शन और कंपैरिजन। एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आईपीएल की तमाम रिपोर्ट, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स हर रोज इसी तरह से सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले जीटी की, गुजरात टाइटंस की पहले मैच की प्लेइंग 11 के साथ। तो शुभमन गिल के साथ केएस भरत ओपनिंग करेंगे। मिडिल ऑर्डर में नंबर 3 पर नए खिलाड़ी केन विलियमसन, नंबर 4 पर डेविड मिलर और नंबर 5 पर राहुल तेवतिया उतरेंगे। मिडिल ऑर्डर में ये लोग फंस सकते हैं क्योंकि एक दिक्कत प्लेइंग 11 में इनके सामने है, वो है डेविड मिलर की। डेविड मिलर हो सकता है कि 3 तारीख के बाद साउथ अफ्रीका नेदरलैंड सीरीज के चलते आईपीएल में एंट्री लें और ऐसी स्थिति में मिलर के स्थान पर इन्हें मैथ्यू वेड को खिलाना पड़ेगा। डेविड मिलर इनके लिए तुरुप का इक्का पिछले साल साबित हुए थे। पहला मैच अहमदाबाद में है और यहां पर मिलर की इनको जरूरत है, बैटिंग पिचेस रहेंगी, तो गुजरात के लिए अच्छी खबर नहीं है अभी तक जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं। बाकी इस पर आगे जो भी अपडेट आएगी टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 6 की। तो नंबर 6 पर उतरेंगे कप्तान हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर राशिद खान उतरेंगे। तो वही बॉलर्स और टेलेंडर्स की बात करें तो 8वें स्थान पर अलजारी जोसेफ, 9वें स्थान पर साई किशोर, 10वें स्थान पर शिवम मावी और 11वें स्थान पर मोहम्मद शमी उतरेंगे। आपको बता दूं कि जोशुआ लिटिल जो कि तेज गेंदबाज थे इस साल इन्होंने खरीदे हुए थे, उनकी प्लेइंग 11 में जगह बनती थी लेकिन इस समय वो चोटिल चल रहे हैं, तो जीटी को उनके स्थान पर अलजारी जोसेफ को उतारना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। दो प्लेयर्स की दिक्कत है जीटी के साथ जिसमें डेविड मिलर की दिक्कत जो अभी तक की स्थिति में बनी हुई है वो शायद इन्हें बहुत ज्यादा हॉन्ट कर रही होगी। 10 में से रेटिंग दीजिए जीटी के पहले मैच की प्लेइंग 11 की। अब बात करते हैं सीएसके के प्लेइंग 11 की, लेकिन उससे पहले भैया हर मैच की फैंटेसी टीम हेड टू हेड स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग सबकी पूरी टीम फ्री में हम आपको दे रहे हैं हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी, फटाफट जाकर फ्री में ज्वाइन हो जाना क्योंकि हर मैच की फ्री टीम देंगे जिसके तहत आप हजारों रुपए तो जीत ही पाएंगे। साथ ही साथ भैया एक एक खबर सबसे पहले यूट्यूब से भी पहले हम टेलीग्राम पर डाल देते, पूरा मजा आईपीएल का टेलीग्राम पर मिलेगा, देर मत करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की पहले मैच की प्लेइंग 11 की। तो यहां पर इनकी जो कुछ दिक्कतें थी वो सॉल्व होती हुई दिख रही है क्योंकि गायकवाड़ के साथ डेविड कॉनवे ओपनिंग करेंगे। पहले था कि शायद कॉनवे नहीं आ पाएंगे लेकिन अब फाइनल हो गया, एनजेड न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने, एनजेडसी ने कह दिया है कि कॉनवे खेलेंगे, तो पहला मैच आ रहा है डेविन कॉनवे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं नंबर 3 की। तो उतरेंगे मोइन अली, नंबर 4 पर आएंगे अम्बाती राइडू, नंबर 5 पर आएंगे बेन स्टोक। बेन स्टोक की नी इंजरी है बट वो लगातार ये बयान दे रहे हैं अभी की स्थिति में कि वो पहला मैच खेलेंगे, तो सीएसके के लिए अभी तक तो अच्छी रिपोर्ट है, रिपोर्टेडली 95% चांसेस है कि वो पहला मैच खेलते हुए नजर आएंगे, तो एक गुड न्यूज है ये सीएसके के फैंस के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं लोअर ऑर्डर की। इनका लोअर ऑर्डर भी बहुत मजबूत है क्योंकि इन फॉर्म रविंद्र जडेजा, नंबर 6 और नंबर 7 पर महेंद्र सिंह धोनी जो कि कप्तान है, वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स है और बहुत अच्छे फॉर्म में भी दिख रहे उतरेंगे। बात करते हैं दोस्तों लोअर ऑर्डर की इनके, तो 8वें स्थान पर शिवम दुबे, 9वें स्थान पर दीपक चहर, 10वें स्थान पर एम पातिराना और 11वें स्थान पर मुकेश चौधरी उतरेंगे। अच्छी खबर इनके लिए बहुत सारी निकल कर आई है क्योंकि दीपक चहर फिट हुए हैं, रुतराज गायकवाड़ फिट हुए हैं, कॉनवे भी खेलते हुए नजर आएंगे, चांसेस आर हाई कि स्टोक्स भी नजर आएंगे, तो सीएसके की ये प्लेइंग 11 रहने वाली है। बाकी कमेंट बॉक्स में आप बताओ 10 में से इनको कितनी रेटिंग दोगे क्योंकि अभी की स्थिति में इनका कोई भी मेन खिलाड़ी मिस नहीं कर रहा है, विथ ऑल ड्यू अवेलेबिलिटीज इनको वो प्रॉब्लम अभी तक तो फेस नहीं करनी पड़ रही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अब कंपैरिजन की। यूट्यूब में इस तरह का कंपैरिजन आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा क्योंकि 3 अलग अलग तरह के कंपैरिजन करेंगे आपको इसी मैच के, दोनों ही टीमों के, और बताऊंगा एंड में कि प्रेडिक्शन क्या है, जीत कौन रहा है। तो पहला कंपैरिजन करेंगे दोस्तों हम फॉर्म कंपैरिजन। इस समय चेन्नई सुपर किंग्स के हवाले से 4 खिलाड़ी अपने फॉर्म में चल रहे हैं, मोइन अली और डी कॉनवॉय, ये चारों अच्छे फॉर्म में दिखे हैं अलग अलग लेवल की क्रिकेट में, जडेजा इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखे हैं, मुकेश चौधरी को हमने डोमेस्टिक लेवल पर देखा है, मोइन अली अच्छे फॉर्म में चल रहा है इंग्लैंड के हवाले से और डेविन कॉनवॉय न्यूजीलैंड के हवाले से चल रहा है। तो वही दूसरी तरफ जीटी के हवाले से शुभमन गिल, डेविड मिलर, हार्दिक पांड्या, राशिद खान और शिवम मावी, ये 5 प्लेयर्स अपने अपने लेवल की क्रिकेट में आज की स्थिति में फॉर्म में चल रहे हैं। सीएसके के 4 खिलाड़ी फॉर्म में है, जीटी के 5 खिलाड़ी फॉर्म में है, ऑन एंड ऑन हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ही बराबर लेवल पर खड़ी हुई है। तो अगर आप फॉर्म कंपैरिजन की बात करें तो सीएसके और जीटी बराबर है, थोड़ा सा गुजरात टाइटंस का पटला भारी है क्योंकि उनके पास एक एक्स्ट्रा इनफॉर्म प्लेयर्स है। और आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, एक खिलाड़ी जीत और हार में अंतर पैदा कर देता है आईपीएल में,
वो थोड़ी सी प्रॉब्लम सीएसके के लिए हो सकती है। दूसरा कंपैरिजन दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पिच कंपैरिजन की, पिच पर कौन ज्यादा चलेगा। तो दरअसल ये जो अहमदाबाद की पिच तैयार हो रही है ना, ये हैवी बैटिंग विकेट है, क्योंकि बाउंड्रीज बहुत लंबी है यहाँ की, और यहाँ पर अगर तेज गेंदबाज या स्पिनर के पक्ष में पिच बनाई जाती है तो लो स्कोरिंग मैचेस होंगे, जिसके तहत मैच देखने का मजा नहीं आएगा। तो अहमदाबाद के हवाले से बहुत शॉर्टेड चीज है कि आप बहुत बैटिंग पिच मिलने वाली है, वो टीम ज्यादा चलेगी जिनके पास अच्छे, जिनके पास ज्यादा संख्या में इनफॉर्म बल्लेबाज होंगे। अगर आप दोनों ही टीमों को देखते हैं तो गुजरात टाइटंस के पास एक एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शन है, विच मेक्स देम थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि गुजरात के पास तीन ऐसे बल्लेबाज हैं जो बहुत अच्छे फॉर्म में, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर। दूसरी तरफ अगर हम बात करें सीएसके की टीम की, तो डेविड कॉनवॉय फॉर्म में जरूर है, लेकिन उस तरह से देखा नहीं अभी न्यूजीलैंड के हवाले से। दूसरी चीज, गायकवाड़ अभी चोट से उभर कर आ रहे हैं, उसके अलावा बेन स्टोक चोट से उभर कर आ रहे हैं, रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी पर इनको डिपेंड रहना पड़ेगा। तो अगर हम पिच कंपैरिजन की बात करें, थोड़ा सा हो सकता है गुजरात का बदला भारी हो, और यहां पर महेंद्र सिंह धोनी का रोल आता है, क्योंकि इस मैच को अगर कोई बदल सकता है सीएसके के लिए तो वो धोनी रह सकते हैं। धोनी अगर बहुत ज्यादा चलेंगे तो सीएसके एक तरफा इस मैच को जीतेगी अभी तक की स्थिति में, अदरवाइज जीटी थोड़ी सी भारी रह सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं फिटनेस कंपैरिजन की। इस समय दोनों ही टीमों के कौन कौन से प्लेयर्स अनफिट हैं वो देख लेते हैं। तो सीएसके के हवाले से गायकवाड़ अभी फिटनेस से जूझ रहे थे, वो अभी लौटे हैं। स्टोक्स अभी नी इंजरी हुई थी, दीपक चहर के हवाले से भी रिपोर्ट है तो वो भी नी इंजरी हुई थी। तो इनके तीन खिलाड़ी हैं जो कि अभी फिटनेस से जूझ रहे हैं। तो वही जीटी के हवाले से हमने देखा है कि शमी और साई किशोर, ये दो प्लेयर हैं जो कि फिटनेस से जूझ रहे थे। तो गुजरात टाइटंस यहाँ भी थोड़ा सा आगे निकल जाती है, क्योंकि गुजरात के पास थोड़े से ज्यादा फिट प्लेयर्स हैं, और सीएसके के बड़े प्लेयर्स इस समय फिटनेस के इशू से भी जूझ रहे हैं। तो हमने एक मोटा माटी तीन अलग अलग तरह के कंपैरिजन किए, जिसमें मैं थोड़ा सा कह सकता हूं कि गुजरात टाइटंस थोड़ा सा इस मैच में आगे रह जाएगी, क्योंकि अहमदाबाद में मैच है, ज्यादा इनफॉर्म फिट बल्लेबाजी हैवी रहेगी गुजरात के पास, और सीएसके को चलना है तो धोनी को चलना पड़ेगा, धोनी के ऊपर दारोमदार है। अगर धोनी चलेंगे तो फिर सीएसके को कोई नहीं हरा सकता, अदरवाइज मेरे हिसाब से गुजरात जीतेगी। और हम तो देखना चाहते हैं भैया, धोनी को चलते हुए कौन नहीं देखना चाहता, तो मैं तो चाहता हूं कि धोनी चले। बाकी आप बताओ कमेंट बॉक्स में कौन जीतेगा इस मैच को, टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी, हर मैच की टीम मिलेगी, प्रिडिक्शन भी मिलेगी, और बहुत पैसे जीतने का मौका है पूरे आईपीएल में। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे फटाफट हिट करिए, बेल आइकन दबाइए।